हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीआईवाई विद स्वाति। कैसे हैं आप सब? मैं हूं स्वाति और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने फेवरेट कुछ फेस पैक। जी हां, कुछ ऐसे फेस पैक जिनको मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूं और जिनको यूज़ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जितने भी फेस पैक हैं वो मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं और इनका रिजल्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको यूज़ करने के बाद जो मेरी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और मेरी स्किन एक तरीके से ग्लोई बन जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये सारे फेस पैक शेयर करूं, ताकि आप भी अपने स्किन को ग्लोई बना सके। जैसे कि गर्मियां शुरू हो गई हैं और हम लड़कियां हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमें गर्मियों में कौन सा फेस पैक लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कौन सा फेस पैक हमारी स्किन को सूट करेगा, कौन सा सूट नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्वाति, कौन सा ऐसा फेस पैक है जो कि हमें गर्मियों में यूज़ करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरा सबसे फेवरेट फेस पैक है वो है लोटस हर्बल का क्ले वाइट फेस पैक, जो कि कुछ इस तरीके से ट्यूब में आपको आएगा। और ये जो फेस पैक है वो है ब्लैक क्ले स्किन वाइटनिंग फेस पैक, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। आपकी चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, कोई कैसी भी स्किन हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ब्राइट करता है आपकी स्किन को, ड्राई नहीं करता है और आपकी स्किन को डीप क्लींस करता है। हमें भी लगाने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए आपके स्किन में इरिटेशन फील होगा। और इस फेस पैक में आपको ब्लैक के और बियर बेरी एक्सट्रैक्ट्स मिलेगा, जो कि हमारे स्किन की ब्राइटनेस के लिए और इनको डीप क्लींस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये सच में अपना रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखाता है। इस फेस पैक को आपको लगाने के बाद 20 से 25 मिनट तक रखना है और सिंपली वाटर से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत ही टाइटन सा फील करेगी, आपकी स्किन में जो भी डलनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये मेरा फेवरेट फेस पैक है। सीरियसली गर्मियों में मैं इस फेस पैक को वीक में 1 टाइम्स तो ज़रूर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है और मेरी स्किन को भी ब्राइट बनाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है वो है 190 रुपीज़ और इनकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा फेस पैक है और अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप भी फेस पैक खरीदने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो आप एक बार इस फेस पैक को परचेस कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस पैक है। तो चलिए जानते हैं अगला कौन सा मेरा फेस पैक है। और जो मेरा अगला फेस पैक है वो है बायोटिक का बायो फ्रूट फेस पैक, जो कि कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको आएगा। और ये जो फेस पैक है वो है वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूविंग फेस पैक, जो कि ऑलरेडी इसकी पैकिंग पे आपको लिखा हुआ रिसीव होगा और ये वाकई में आपके फेस को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके फेस पे टैनिंग की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस पैक है। अगर अभी तक आपने इस फेस पैक को ट्राई नहीं किया है जिनको टैनिंग और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। आपकी टैनिंग और जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिमूव करने लगता है और इसका जो रिजल्ट है आपको 2 या 3 यूज़ में ही दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि गर्मियों में हम सभी को टैनिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब भी टैनिंग प्रॉब्लम्स मुझे होती है तो मैं इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई करती हूँ वीक में 1 टाइम, ताकि जो टैनिंग प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और अगर आपको भी टैनिंग प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। और जैसे कि हमें पता है बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, तो अगर आपको भी टैनिंग और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। तो चलिए जानते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है वो है 199 और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप भी एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मेरा अगला फेस पैक कौन सा है। मेरा अगला फेस पैक है वो सभी ने यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन फेस पैक है। और अगर अभी तक नहीं यूज़ किया है तो प्लीज़ वो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और वो है हिमालया का प्यूरिफाई नीम पैक, जो कि कुछ इस तरीके की ट्यूब में आपको आएगा। और आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जो स्किन है वो डल हो गई है और पिंपल्स प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो मैं इस फेस पैक को ज़रूर अपने फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और इस फेस पैक में आपको मेन 2 इन्ग्रीडियंट्स मिलते हैं, एक है टर्मरिक ऑयल और एक है नीम ऑयल, जो कि पिंपल्स और एक्ने प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और टर्मरिक, जैसे कि हमें पता है कि वो हमारे स्किन को ब्राइट करता है, और जो नीम ऑयल होता है वो बैक्टीरियाज को रिमूव करता है, ताकि जो पिंपल्स प्रॉब्लम्स हो वो धीरे धीरे हमारे स्किन से ख़त्म हो जाए। और गर्मियों में नीम फेस पैक हमारे पास एक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में हमें पिंपल्स और एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और उन दोनों चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। और इस फेस पैक को जब आप अप्लाई करते हो और ये ड्राई हो जाता है, और जब आप इसको वॉश करते हैं तो जब भी आप इसको वॉश करेंगे आप फील करेंगे कि आपको एक ऐसा टेक्सचर मिलता है जो कि आपके स्किन को स्क्रबिंग करने के लिए भी यूज़ आता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है वो है 135, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी है 2 ईयर्स। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फेस पैक है, और ज़रूर हर लड़की के पास ये फेस पैक तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम सारी लड़कियां पिंपल्स और एक्ने प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होता है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो चलिए जानते हैं अगला कौन सा मेरा फेस पैक है। और जो मेरा अगला प्रोडक्ट है वो है बायोटिक का बायो पीच फेस पैक, और ये जो फेस पैक है वो क्ले फेस पैक नहीं है, ये पील ऑफ मास्क फेस पैक है। और जैसे कि बायोटिक के मैंने आपको बताया कि जो भी फेस पैक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है पीच जो कि हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये जो फेस पैक है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है और हमारी स्किन को नॉर्मल रखता है। पील ऑफ मास्क हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो डीप क्लींस हो जाए। तो चलिए मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। इसका जो टेक्सचर है इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में है, ताकि ये आपको लगाने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहे, और इसको आप बहुत ही इजीली वे में अपने फेस पर लगा के रिमूव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए अच्छा है, और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए भी ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है। तो चलिए जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है वो है 199 और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 ईयर्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए होते हैं, जो कि हमारे स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। अगर आपकी भी कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन है और आप भी किसी अच्छे फेस पैक के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जानते हैं अगला मेरा कौन सा फेस पैक है। तो जो मेरा अगला फेस पैक है वो है प्लम गुडनेस का फेस पैक, और ये कुछ इस तरीके की ट्यूब की पैकिंग में आएगा। और इस फेस पैक में आपको 2 मेन इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जो कि है ग्रेप सीड और सी बकथ्रोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए। और ये जो फेस पैक है वो कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट फेस पैक है, बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि जिनकी ड्राई स्किन है उनको ये यूज़ करना चाहिए। जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए तो ये सही है, बट ड्राई स्किन वालों के लिए आई थिंक सो ये फेस पैक नहीं सही है। और इस फेस पैक में आपको मल्टीपल्स ऑयल मिलते हैं, जो कि हमारे स्किन को ब्राइटन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस फेस पैक में ग्रेप सीड है, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है। प्लस इसमें आपको और भी कई तरीके के ऑयल मिलते हैं, जैसे आमंड ऑयल है, इसमें रोज हिप्स ऑयल है, जो कि हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है। बट मैं इस फेस पैक को जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको सजेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए सही है, क्योंकि इसका जो क्ले है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, और अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, बट कुछ समय बाद वो इरिटेशन ख़त्म हो जाती है।
आपकी स्किन को ये डीप क्लींस करता है। और अगर आपकी भी कॉम्बिनेशन स्किन है बट बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं, ये भी ओवरऑल एक अच्छा फेस पैक है। तो चलिए जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है वो है 450 रुपीज़ और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है सिर्फ 1 ईयर्स। ओवरऑल देखा जाए तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये भी फेस पैक बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है और आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।